जम्मू एंड कश्मीर के क्रिकेट खिलाड़ी परवेज रसूल ने कहा है कि अगर उनके प्रदेश के हालात नहीं सुधरते हैं तो वो किसी और टीम से खेलने के बारे में सोच सकते हैं। रसूल ने इसी साल जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज में T20 क्रिकेट में डेब्यू किया था। रसूल ने मीडिया से कहा, जब मैं भारतीय टीम के लिए चुना गया था तब मुझे लगा था कि संरचना में बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका, इसके उलट हालात और बदतर हो गए। रसूल ने 2014 में ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने कहा, अब अगर हालात 2-3 महीने में नहीं बदलते हैं तो मैं किसी और टीम से खेल सकता हूं। मुझे उम्मीद है BCCI का कामकाज देख रही प्रशासकों की समिति इस मामले पर गौर करेगी। रसूल की कप्तानी वाली जम्मू एंड कश्मीर की टीम विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की टीम से हार गई। झारखंड की कप्तानी भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे। रसूल ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए T20 में धोनी के साथ 7वें विकेट के लिए 27 रनों की साझेदारी की थी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस साझेदारी के दौरान धोनी ने क्रिस जॉर्डन पर छक्का मारा था। मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने कैसे इस शॉट को मारने की तैयारी कर ली थी, तो धोनी ने जवाब दिया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपको गेंदबाज के मजबूत पक्ष को देखना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से खेलना पड़ता है। आपको बता दें कि धोनी ने मैच के बाद जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से मुलाकात करके सबका दिल जीत लिया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।